एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कमजोर वैश्विक मांग और महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मौद्रिक नीति लाई जा रही कठोरता के कारण चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के भारत के विकास अनुमान में क्रमशः 0.5% और 0.8% की कमी दर की है। एडीबी ने आज भारत के लिए जारी अपनी आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास अनुमान को अप्रैल के 7.5% से कम कर 7.0% तथा अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमान को 8.0% से कम कर 7.2% कर दिया है। एडीबी के भारत में कंट्री निदेशक टी कोनिशी ने कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच रहा है, लेकिन फिलहाल वैश्विक नरमी और ऊंची महंगाई के कारण यह प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के कारोबारी नियामकीय माहौल में सुधार जारी करने की उम्मीद है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश में तेजी आएगी और उससे रोजगार भी सृजित होंगे।